Mohan Das, Dr. Radha Mohan Das, I have called up speaker already. माननीय उपसभापति महोदय, मैं अपनी बातें चार बिंदुओं पर आपके एक सामने अच्छा अंडर व्हाट रूल अंडर 261 सर यस व्हाट इज द रूल सर दिस इज डिफेमेटरी टू महाराष्ट्र व्हेन ऑनरेबल मेंबर वाज सेइंग that nobody opposed anything in the GST council when Maharashtra has written an open letter saying that this GST he is not talking not about open letter he is talking about council products. how can he say council sir, mein council ka baat kar raha hai letter ki baat nahi kar raha hai letter mein ya house mein zikr karne ki baat nahi kar raha hai GST council was no, Maharashtra has written point a of letter. order is ruled out it doesn't come under any rule बोले नहीं नहीं माननीय उपसभापति महोदय महंगाई की इस महत्वपूर्ण बहस पर मैं चार बिंदुओं पर अपनी बातें रखूंगा क्या यह महंगाई पहली बार भारत में आई है क्या भारत के भाजपा शासित राज्यों और गैर भाजपा राज्यों के बीच में महंगाई एक सी है क्या भारत का विकास इससे प्रभावित हुआ है और महंगाई को लेकर ये तथाकथित नेता ज्यादा समझदार हैं या इस देश की जनता ज्यादा समझदार है महोदय 75 साल के शासन में पहले 27 साल कांग्रेस का शासन था और महंगाई की दर 13% से लेकर के 28% तक थी फिर बीच में जनता पार्टी का शासन आया महंगाई की दर घींच करके जनता पार्टी ने 2.52% ला दिया फिर कांग्रेस की शासन आ गई और तकरीबन 15 साल कांग्रेस का सरकार रहा और महंगाई फिर बढ़ करके 10% से लेकर के 11.35% हो गई उसके बाद फिर अटल जी की सरकार आई और अटल जी की सरकार में महंगाई 99 में 4.67 2000 में 4.01 2001 में 3.75 2002 में 4.3 2004 में 3.77 यानी फिर भाजपा की सरकार आते मान महंगाई घट गई फिर एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री जी बनकर के हम लोगों के बीच में आए 2009 में 10.88% महंगाई थी 2010 में 11.99% महंगाई थी 2011 में 8.91% महंगाई थी 2012 में 9.48% महंगाई थी 2013 में 10.02% महंगाई थी ये एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के दौरान इस देश की महंगाई थी और फिर आए चाय बेचने वाले हमारे प्रधानमंत्री जिन पर आज पूरा देश गर्व करता है कबीरदास ने लिखा पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए ढाई आखर पीऊ का पढ़े सो पंडित होए गरीबों के जीन बीच में जीने वाले उस मोदी ने महंगाई को 2014 में 6.77 2015 में 4.91 2016 में 4.95 2017 में 3.33 2018 में 3.94 2019 में 3.75 और 2021 में 5% कर दिया यह कार्यकाल था माननीय मोदी जी का पिछले 8 सालों का ऐतिहासिक कार्यकाल है मैं अपने छात्र जीवन में सुनता था जब जब कांग्रेस आई है कमर तोड़ महंगाई है अब समझ में आता है ये आंकड़े बताते हैं कि सच्चाई क्या है अध्यक्ष महोदय दूसरी चीज आज के दिन जो वर्तमान की महंगाई है उत्तर प्रदेश में भाजपा का शासन महंगाई 6.7 देश का एवरेज 7.1 उत्तर प्रदेश में 6.7% उत्तराखंड में भाजपा का शासन महंगाई की दर 6.04% मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन थोड़ी सी ज्यादा है महंगाई 7.16% बिहार में भाजपा की सम्मिलित सरकार महंगाई है 5.97% और गैर शासित भाजपा राज्यों में तेलंगाना 10.05 पुडुचेरी 10.09 राजस्थान 7.79 उड़ीसा 7.71 आंध्र प्रदेश 8.63 लक्षद्वीप 9.6 महाराष्ट्र अभी हमारी सरकार के पहले का यह आंकड़ा है 8.52 यानी देश में
7.1 महंगाई के बावजूद इस देश में जितने भाजपा शासित राज्य हैं सब में महंगाई बहुत कम है, और जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं सब में महंगाई बहुत ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात मैं आंकड़ों से ही कहूंगा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, दुनिया में विकास की दर 4.8%, अरब देश में 1.6%, पूर्व एशिया और जापान में 5.5%, लैटिन अमेरिका और कैरेबिया में 5.8%, यूके में 7%, यूएसए में 5.5%, रूस में -2.8%, इटली में 7.3%। अध्यक्ष महोदय, भारत की विकास की दर 22 मार्च 2022 के वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में सबसे अधिक 7.9% की रिकॉर्ड है, और यह ब्लड बैंक, ये वर्ल्ड बैंक की ऑफिशियल रिपोर्ट है। और अंतिम बात, महंगाई इनको दिखती है जनता को नहीं, कारण क्या है? वर्ल्ड बैंक मैंने बताया आपको, अब सुनिए पढ़िए थोड़ा बहुत सोच खोज लीजिए, मैंने बताया आपको वर्ल्ड बैंक, फिर भी आप न पढ़ना चाहें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और अध्यक्ष महोदय, आप चेयर को मोदी जी सरकार में आए थे, प्रति व्यक्ति आय 2015 में 86,000 रुपए थी, 2016 में बढ़कर के 94,000 हुई, 2017 में बढ़कर 104,000 हुई, 104,000, 2018 में बढ़कर के 114,000 हुई, 2019 में 126,000 हुई, 2020 में 135,000 हुई, और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं भारत की प्रति व्यक्ति आय 150,000 है। इस कार्यकाल में हमारी आय पिछले एक साल के मुकाबले 18% बढ़ी है, और मोदी जी के कार्यकाल में 80% बढ़ी है। महंगाई 7% है, महंगाई में फूड का इन्फ्लेशन मान लेता हूँ 14% है, आय की इनकम पिछले एक साल की 18.5% है, और यही कारण है हमारे देश के नागरिक इस बात को जानते हैं। हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो अनवरत इस बात के लिए काम करता है कि कैसे इस देश के गरीब नागरिक को उसकी गरीबी का एहसास न हो जाने दिया जाए। दुनिया आज मोदी इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रही है, कौन सा वो तरीका है, कोरोना में इतनी समस्या आई, इस देश का एक भी गरीब निकल करके सड़क पर नहीं आया। खर्चे सिर्फ अनाज के नहीं होते, खर्चे मकान के होते हैं जो मोदी जी ने दिया, खर्चे बिजली के होते हैं जो मोदी जी ने दिया, खर्चे पढ़ाई के होते हैं जो मोदी जी ने दिया, खर्चे इलाज के होते हैं जो मोदी जी ने दिया, खर्चे अनाज के होते हैं जो मोदी जी ने इतना दिया कि लोग अपने घरों में रख नहीं पा रहे हैं। मैं इस पूरी बहस को एक शुद्ध राजनीतिक बहस करता हुआ कंडेम करता हूँ। श्रीमती गीता।